आज हम बनाएंगे सॉफ्ट और जालीदार मैसूर पाक रेसिपी। हे फ्रेंड, मैं रूपाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर क्राउन रेसिपीज। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बेसन, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। और यहाँ पे मैंने ली है 1 कप शक्कर। जितना मैंने बेसन लिया है उतनी ही मैंने शक्कर ली है। ध्यान रखिएगा कि मैसूर पाक बनाते समय मेजरमेंट अगर आप मेरे हिसाब से लेंगे तो आपका भी मैसूर पाक बहुत बढ़िया बनेगा। और मैंने मैसूर पाक बनाने के लिए लो ऑयल एब्जॉर्ब करने वाला बेसन लिया है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 ही कप ऑयल और 1/4 कप घी लिया है। अगर आपका बेसन नॉर्मल है तो आपको ये मेजरमेंट 1.5 कप लेना है। आप चाहे तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बेसन में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे। अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालें, चुटकी भर ही डालें। मैसूर पाक निकालने के लिए मैंने लिया है केक टिन। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरह से किसी भी पतीले का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें नीचे हमको ऑयल लगा लेना है थोड़ा से, ताकि वो नीचे से चिपके ना जब हम इसमें मैसूर पाक डालेंगे। और अब हम क्या करेंगे, पहले घी को पिघलाने के लिए रख देंगे और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा ऑयल। इन दोनों चीज़ों को हम एक ही साथ में मिला के अच्छे से गरम कर लेंगे। इसको अच्छे से गरम कर लेना है, इसको साइड में रख देते हैं और बाकी की तैयारी करना हम शुरू कर लेते हैं। दोनों प्रोसेस साथ में ही करनी है। एक तरफ हमने ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया है लो फ्लेम पे, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, शक्कर को पिघला लेंगे। तो इसमें मैंने डाला है 1 कप शक्कर के लिए 1/2 कप पानी, इसी हिसाब से मेजरमेंट डालिएगा। और शक्कर को पूरी तरह से पिघला लेना है, इसकी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसको पिघलाना है। जब इसमें से सारी शक्कर पिघल जाएगी, वो चेक करते रहना है बीच बीच में। जैसे ही सारी शक्कर पिघल जाएगी तो हम गैस को बंद कर देंगे। और अब हम इसमें मिलाएंगे बेसन, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे। इसमें अगर थोड़ी बहुत गुठलियाँ हो रही है तो उसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। हम इसको बहुत मिक्स करने वाले हैं तो वो सारी निकल जाएगी बाद में। बस आराम से इसको मिलाते रहना है, कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सही रेसिपी पता चले। तो गैस को हम ऑन कर देते हैं और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। ये लो फ्लेम पे ही गैस को रखना है, बेसन को बिल्कुल भी चिपकने नहीं देना है नीचे से, इस तरह से चलाते रहना है। और इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे ताकि इसका रॉ स्मेल चला जाए। ये अब ये देखिए इसका रंग भी बदल गया है, 5 मिनट हो गए हैं और इस तरह से इसमें बबल्स आ रहे हैं। जब इस तरह से बबल्स आ रहे होंगे और हल्का सा रंग चेंज हो जाएगा, मतलब ये अच्छे से पक गया है, इसका रॉ स्मेल चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने जो साइड में ऑयल रखा है गरम करने के लिए उसको अच्छे से गरम कर लेना है। पहले एकदम उसमें से धुआं निकले इतना गरम कर लेना है और इस तरह से इसमें 1 चम्मच डाल देना है और इसे आराम से मिक्स कर लेना है। जब तक कि इसमें हमने जो ऑयल डाला है वो पूरा पी ना ले तब तक इसको चलाते रहना है। और जैसे ही इसमें से हमने जो ऑयल डाला है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर से डालते रहना है। ये प्रोसेस हमें तब तक कर लेना है जब तक बेसन ऑयल एब्जॉर्ब करेगा, पीता रहेगा, तब तक करना है। अब ये देखिए हल्का सा फूलने लगा है हमारा बेसन, मतलब ये सही से बन रहा है। और ऑयल को गर्म ही रखना है, मतलब गैस को चालू ही रखना है, तभी ऑयल अच्छे से गर्म रहेगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ है वो पूरा डाल देंगे। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है, इसलिए आपको जल्दी से लग रहा है। लगभग इस प्रोसेस के लिए 5 मिनट तो लग जाते हैं। जब ये इस तरह से टेक्सचर पकड़ेगा और ऑयल छोड़ने लगेगा, मतलब सही कंसिस्टेंसी बनी है मैसूर पाक की। ये देखिए कितना फूल गया है। अब इसको बंद कर देते हैं गैस को और इसको हम निकाल लेते हैं केक टिन में, जिसमें हमने पहले से ही ऑयल लगा के रखा है। कढ़ाई बहुत गर्म है, आराम से निकालिएगा। ये देखिए इसकी जाली कैसी दिख रही है ऊपर से भी। और इस तरह से इसको प्लेन कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। जब 5 मिनट हो जाएंगे तो हम इसमें कट्स लगा लेंगे।
अगर इसको ज़्यादा ठंडा होने देंगे तो इसमें कट्स नहीं आएंगे, इसलिए एक 5 मिनट के बाद ही इसको कट कर लेना है, जैसा आपको शेप चाहिए उस तरह से। और इसको इस तरह से कट कर देने के बाद हम इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही ढक के रख देंगे साइड में, ताकि इसके बीच में जो ऑयल और घी है एक्स्ट्रा वाला उसमें वो अच्छे से पक जाए। और जब 1 घंटा हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसके साइड्स ओपन कर लेने हैं छुरी से, और बाद में इसको एक प्लेट में पलट देना है इस तरह से। ये देखिए कितने आसानी से निकल गया है। तो आज हमने बनाई है मैसूर पाक रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है बनाना। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल आर क्राउन रेसिपीज़, ताकि ऐसी ही और नई वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो फिर मिलेंगे इस शुक्रवार ऐसी ही और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू माय फ्रेंड।